हम देखेंगे ओपन सर्किट क्लोज सर्किट कैसे काम करता है। इसके लिए हमने लिया है एक प्रोजेक्ट बोर्ड, एक 9 वोल्ट बैटरी, एक एलईडी, 100 ओम रेजिस्टर, मल्टीमीटर को हमने डीसी पे सेट किया है, डीसी वोल्टेज पे सेट किया है। नाइन वोल्ट की बैटरी है हमारी। रेजिस्टर के लिए हम लोग इसे सेट करेंगे ओम पे, ये 100 ओम का रेजिस्टर है हमारा। और ये एलईडी चेक करने के लिए हम इसे कॉमन बीट मोड पे रखेंगे। इसका जो लंबा वाला लेग है ये पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव प्रोब को कनेक्ट किया है हमने। ये देखिए, ये जो लॉन्ग लेग है इसको पॉजिटिव प्रोब को कनेक्ट किया है। ये एलईडी हमारा चालू है। इसका सिर्फ प्रोजेक्ट बोर्ड में ये टर्मिनल कनेक्ट करते हुए चेक करना है, हमें देखना है कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव है, क्योंकि हम लोग जब भी बैटरी कनेक्ट करेंगे तो पॉजिटिव की जगह पॉजिटिव कनेक्ट करना है हमें। ये आप इसके बाद सीरीज में हम ये रेजिस्टर कनेक्ट करेंगे। रेजिस्टर हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि हमारा एलईडी उड़ ना जाए। ये सीरीज सर्किट कंप्लीट होने के लिए हम लोग ये इसे एक्स्ट्रा वायर से कनेक्ट कर रहे हैं। ये देखिए, अभी हम एलईडी के पॉजिटिव टर्मिनल के यहाँ पे अगर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करते हैं तो एलईडी नहीं चलेगी। अभी हम इसे रिवर्स करके देखेंगे, एलईडी के पॉजिटिव टर्मिनल पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल पे नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किया है, तो ये हमारी एलईडी ग्लो हो रही है। ये अभी हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया है, देखेंगे तो ये हमारा सर्किट है। ये सर्किट कंप्लीट हो गया है, इसकी वजह से ये एलईडी जल रहा है। अभी हम कहीं से भी ये सर्किट अगर ओपन करते हैं, जैसे कि मैंने ये निकाल लिया, तो ये सर्किट ओपन हो गया। अभी ये करंट फ्लो नहीं हो रहा है जिसके वजह से हमारा एलईडी बंद हो गया। अभी ये इसको सर्किट को वापस हम लोग क्लोज करेंगे तो ये एलईडी वापस चल जाएगा। तो ये है हमारा ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट एक्सपेरिमेंट। हमें इससे ये पता चलता है कि जब तक आपका सर्किट क्लोज नहीं है तब तक आपका सर्किट कंप्लीट नहीं होता है और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है।